अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, जमात अव्वल, मज़मून उर्दू, सबक नंबर 3। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, आइए अपनी किताब का सफ़र नंबर 14 खोलिए। जैसे हमने पहले बुलंद ख्वानी की थी सफ़र नंबर 13 की, आज हम सफ़र नंबर 14 की बुलंद ख्वानी करेंगे। आइए प्यारे बच्चों, बुलंद ख्वानी करते हैं। दादी जान, शाबाश बेटा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया वालों को अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाया। आमिना ने पूछा, दादी जान वो पैगाम क्या है? दादी जान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह एक है, हमें सिर्फ उसी की इबादत करनी चाहिए और उसी से मदद मांगनी चाहिए। हसन, दादी जान प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? दादी जान, बेटा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत प्यार करते थे। जब भी मौसम का कोई नया फल आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले बच्चों को देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते और लोगों की मदद करते थे। अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक किताब नाजिल की। आमिना, बताओ वो कौन सी किताब है? आमिना ने झट से जवाब दिया, कुरान मजीद। दादी जान ने खुश होकर आमिना को शाबाश दी और कहने लगी, बिल्कुल ठीक, कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। ये तमाम इंसानों के लिए हिदायत की किताब है। हम सबको रोज़ाना कुरान मजीद पढ़ना चाहिए। बच्चे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलि वसल्लम के बारे में जानकर बहुत खुश हुए। प्यारे बच्चों, इसी के साथ आपको छोटा सा असाइनमेंट दिया जाता है। असाइनमेंट को अच्छे से दिल लगाकर करिएगा। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।